हेलो स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी लिट। पाठ है 19, आश्रम का अनुमानित व्यय। आश्रम का व्यय कितना होगा ये पूछा गया, बताया गया। तो आश्रम का अनुमानित व्यय नामक पाठ के लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी। तो किसने लिखा है? मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखित चैप्टर है। देखिए अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आरम्भ में संस्था मीन्स आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। लेखक बोल रहे हैं आरंभ में पहले कितने आश्रम में 40 लोग होंगे, फिर 50 होने की संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। ठीक, 10 हर महीने कितने औसतन 10 अतिथि यानी कि जो गेस्ट होते हैं उनके आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 परिवार होंगे। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। तो जब आश्रम बना रहे तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि कितने होने 40 तो होंगे लेकिन 50 होने की संभावना है। और आश्रम की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसमें जो परिवार वाले विद फैमिली आते हैं उनके रहने की व्यवस्था अलग होनी चाहिए, और जो वैसे सिंगल हैं वो क्या होनी चाहिए उनके लिए अलग होनी चाहिए, मतलब किसी को कोई परेशानी ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। कितनी? 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन खेती करने के लिए चाहिए। कितने 5 एकड़ ज़मीन किसके लिए चाहिए? खेती करने के लिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इतनी खेती के औजार चाहिए और इसके लिए काम कर सकें और इतनी क्या चाहिए? खेती के लिए औजार चाहिए। इसमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की ज़रूरत होगी। खेती करने के लिए क्या चाहिए होता है? कुदाली, फावड़ा, खुरपी, जिससे कि लोग उसमें काम कर सकें। अब देखिए साइड में, दक्षिण अफ्रीका से लौट कर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर जब वो आए थे तो उन्होंने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण इस पाठ में है। तो इस पाठ में क्या है उसी के विषय में बताया गया है। अहमदाबाद के आश्रम जो उन्होंने स्थापना की थी उसके विषय में ये पाठ। ठीक है, अब देखिए, बड़े गिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए। 5 बड़े हथौड़े, 3 वसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 डंडे, 1 सालनी, 4 कैंतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी संडासियाँ, 20 रतल कीले छोटी और बड़ी, 1 मोंगरा लकड़ी का हथौड़ा, मोंगरा मीन्स लकड़ी का हथौड़ा, मोची के औजार, और क्या चाहिए? मोची के औजार चाहिए। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च होगा। इन सब पर कितने रुपये खर्च होगा? 5। ये सारा जो सब औजार खरीदने के लिए हैं तो इसमें कितने रुपये खर्च होंगे? 5 रुपये। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। अगर हमारे आश्रम से स्टेशन दूर होगा तो उन्हें लाने के लिए क्या चाहिए होगी? बैलगाड़ी चाहिए होगी। मतलब आश्रम बनाने से पहले सारी तैयारी हो रही थी, कैसे कैसे उसमें लगेगा। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। मुझे क्या मालूम हुआ कि लोगों की इच्छा है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। तो जो भी हमने ऊपर अपना खर्चा बताया वो सब कुछ को उठाना चाहिए अहमदाबाद को। तो मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह से जुटा लूँगा। अब चूंकि विचार बदल गया इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो, वो 1 वर्ष का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है, तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें
मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूले भी हो सकती है, मतलब मेरे कुछ मैं इस खर्चों को मैं से कुछ भूल भी सकता हूँ। ठीक है, उसने अभी बड़ा बड़ा लगाया था खर्चे का हिसाब। देखिए, अब गांधी जी के अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का संविधान स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का संविधान किसने तैयार किया था? गांधी जी ने। इस संविधान के मसविदे से पता चलता है कि भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार करना चाहते थे, गांधी जी किस प्रकार भारत के भारतीय जीवन का निर्माण करना चाहते थे, तो इस आश्रम के संविधान से पता चलता है। अब देखिए, यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा। अगर अहमदाबाद सारा खर्चा उठाता है आश्रम के, उसमें सारा खर्चा उठाता है, तो किस प्रकार कितना खर्चा किस किस पर होगा वो ये बताएगा इसमें। अब देखो, किराया किसका हो गया? बंगले का और खेत की ज़मीन का। किताबों की अलमारी का खर्चा हो गया, बड़े के औजार का हो गया, मोची के औजार का हो गया, चौकी का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, एक वर्ष के लिए खाने का खर्च, तो पूरा खर्चा मिला के कितना बताया? 6,000 रुपया। अब देखो इसमें क्या क्या सामान है, घरेलू सामान दिखाए गए ना ऊपर। 4 पतीले 40 आदमियों का खाना बनाने के योग्य, 2 छोटी पतीलियाँ 10 आदमियों के योग्य, दो छोटी पतीलियाँ जो 10 आदमियों का खाना बन सके, 3 भरने के पतीले या तांबे के कलसे, 4 मिट्टी के घड़े, ये रसोई का सामान है, 4 तिपाहियाँ, 1 कढ़ाई, 10 रतल खाना पकाने योग्य, 3 कलछियाँ, 2 आटा गूंदने की परातें, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, ठीक है, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ या नहाने का पानी रखने के बर्तन, 5 पतीले के ढक्कन, 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 तहियाँ, 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, 2 छलनियाँ, 1 पीतल की छलनी, 3 चक्कियाँ, 2 10 चम्मच, 1 करछा, 1 ईवान दस्ता, मूसली, जिसमें क्या करते हैं जैसे सब चीज़ें उन्हें कूटते हैं, ठीक है, हल्दी नमक हल्दी मिर्च कूटते हैं ना उनमें, ईमान दस्ते में 2 से कूटते हैं, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ, 3 मेजे, 6 किताबें रखने की अलमारियाँ, 3 दवाते, 6 ये है लाइब्रेरी टाइप जहाँ हम किताबें रखते हैं, 6 काले तख्ते, 6 रेक, 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे, 2 मुंबई अहाते के नक्शे, 1 गुजरात का नक्शा, 5 हाथ करघे, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, खेती के औजार, 4 चारपहियाँ, 1 गाड़ी, 5 लालटेन, 3 कमोड, 10 गद्दे, 3 चैम्बर पार्ट, 4 सड़क की बत्तियाँ, ठीक है। तो ये सब क्या बताया गया उन्होंने, इतने घरेलू सामान बताए, ठीक है। अब देखिए, मेरा ख्याल है कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के औजारों को भी जरूरत की भी ज़रूरत होगी। तो बोलते हैं कि हमें क्या है, शायद राजमिस्त्री और औजारों की भी आवश्यकता होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी समाज का खर्च शामिल नहीं किया। तो ऊपर जितने भी खर्चे बताए गए थे उसमें क्या था, शिक्षण संबंधी सामान का खर्च नहीं शामिल किया गया था, वो उन्हें जोड़ा नहीं गया था। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। शिक्षण के मतलब शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी, ठीक। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।